हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फर्स्ट पार्ट में आपने यहाँ तक बनाया था मैंने। आज हम जो है बीच का डिज़ाइन डालेंगे, यही डिज़ाइन हम ऊपर डालेंगे पर थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। पहले जो ये साइड का फंदा है ना, उल्टा साइड को उल्टा बनाया हुआ, ये उल्टा बुनेंगे और एक ये सीधा, ठीक है। देखिए एक फंदा सीधा बनाया, अब क्या करना है, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदा उल्टा, धागा आगे, एक दो तीन चार फंदा सीधा, फिर ये वाला डिज़ाइन निकालेंगे, दो के बीच से डालना है, इस तरह से पलटना है, फिर दो का एक, फिर एक बनाएंगे, फिर आगे का चार फंदा सीधा, ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन लगेगा, ठीक है। टोटल 10 फंदे हैं, दो में निकाला हुआ है, चार अरे और चार परे रख के बीच में जो दो है उसमें हमने डिज़ाइन निकाला है। अब इसको इसी तरह से बिठाना है, पांच उल्टा, फिर चार सीधा, दो में निकालना है डिज़ाइन, फिर चार सीधा पांच उल्टा, इसी तरह से हम फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे और सेकेंड रो सिंपल ही बनाएंगे, उल्टे साइड को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। देखिए फर्स्ट और सेकेंड रो मैंने बना दिया, अब देखिए जो पांच उल्टा बनाया था ना उसको तो उल्टा ही बनाना है, ठीक है। अब देखिए एक दो तीन सीधा बनाना है, पहले चार बनाया था अभी तीन, अब ये दो को दो के बीच में से डालना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, फिर धागा आगे, फिर यहाँ से भी देखिए एक दो तीन और दो के बीच में से डालना है, बस इसी तरह से बनाना है इसको, ठीक है। बाहर को फैलाना है, ये देखिए आगे का तीन सीधा, ठीक है। आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, उल्टी साइड को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। देखिए फिफ्थ रो है, अब जो आगे का तीन सीधा था अब दो सीधा बनाएंगे और फिर यहाँ से अंदर डालेंगे दो के अंदर से, अब देखिए आगे का देखिए एक दो फंदा सीधा बुनना है, ठीक है। एक दो फंदा सीधा, फिर दो के बीच से लगाएंगे, आगे का दो फंदा सीधा, इसी तरह से आपने ना जब तक यहाँ एक ना बचे ना तब तक बुनना है, जब यहाँ एक बचेगा फिर एक को भी इसी तरह से बुनना है, ठीक है। जो बीच में है उसको सीधा ही बनाना है, देखिए इस तरह से निकलेगा ये डिज़ाइन। देखिए लास्ट का भी हमने बनाया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसको बंद वाला बनाना है तो यहाँ पे एक लेना है, फिर दो इस तरह से बाहर को, अभी पहले हमने बाहर को निकाला था ना, अब जो है इसको अंदर को लाना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते तो क्या करना है, चार इधर और बीच में दो है उसके बीच में निकालना है और ये वी जैसा बनते जाएगा, ठीक है। या फिर आपने ये देखिए इस तरह से निकालना है, पहले जो है हमने बाहर को फैलाया था देखिए, फिर इसको अंदर को बंद करते जाना है, ठीक है। जो सिंपल है उसको बाहर को निकालना है और इसको अंदर को बंद करना है और इस तरह से दो निकालना है, देखिए। देखिए बीच का डिज़ाइन तैयार हो गया, ये देखिए इस तरह से निकला। और फिर डिज़ाइन बीच का बनाने के बाद ना जो चार रो हमने उल्टे को बनाया था वो भी इसी में निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। डिज़ाइन निकालने के बाद ना अगर उल्टे साइड को बनाने का आ रहा है तो उल्टे साइड को नहीं बनाना है, बस इसको जो है ना चेंज करना है, जैसे निडल्स इस साइड को तो इधर से लगाना है, फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इसको हमने घटाया, मैं आपको पूरा टोपी दिखाती हूँ सीधी साइड से, ये देखिए इस तरह से बन गई ये टोपी। अब इसमें सिर्फ क्रोशिया निकालना है, देखिए अगर हम इस तरह से पूरे में डालेंगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा। और जो बीच का डिज़ाइन है देखिए कुछ इस तरह से आया है,
ये देखिए पूरा टोपी। तो कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।